मित्रों नमस्कार। हस्तक्षेप के अंतर्गत आज हम साहित्य के एक ऐसे विवाद की चर्चा करेंगे जिसकी शताब्दी इस वर्ष पूरी हो रही है, यानी कि वर्ष 1924 में पांडे बेचन शर्मा उग्र की एक कहानी चॉकलेट शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह कहानी मतवाला के मई अंक में प्रकाशित हुई और इस कहानी के प्रकाशन के साथ ही श्लीलता अश्लीलता नैतिकता अनैतिकता इस तरह की एक बहस की शुरुआत हो गई। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने इस कहानी के प्रकाशन के बाद चार और कहानियां लिखी। वो कहानियां भी इसी विषय पर थी। इसी विषय का से आशय यह है कि यह विषय पुरुषों के साथ निकटता, उनसे शारीरिक संबंध, इस विषय को केंद्रित करके लिखी गई थी और इसी विषय पे उनकी जो है चार और कहानियां उन्होंने लिखी। एक कहानी पालट, दूसरी कमरिया नागिन की सी बलखाए और हम फिदाए लखनऊ और चॉकलेट चर्चा, यानी कि मई 24 से लेकर के दिसंबर 24 के बीच में ये कहानियां लिखी गईं। और इन कहानियों के लिखे जाने के बाद समूचे हिंदी साहित्य समाज में एक विवाद समर्थन का, विरोध का, सहमति का, असहमति का एक पैदा हो गया। यानी कि कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका नहीं थी जहां पर कि यह विवाद नहीं हुआ। संयोग से उग्र इसके पूर्व कई कहानियां स्वदेश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की लिख चुके थे और गोरखपुर से प्रकाशित एक पत्रिका स्वदेश का संपादन कर चुके थे। उस स्वदेश के संपादन के बाद वो ब्रिटिश सरकार के कोप के भागी हुए और उन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें सजा हो गई 9 महीने की और जेल गए। यानी कि इस कहानी का प्रकाशन हुआ, इन कहानियों का प्रकाशन हुआ और इन कहानियों के प्रकाशन के बाद उग्र जो है उसके थोड़े समय के बाद जो है वो जेल गए। तो हुआ ये कि वो उनको सजा तो मिली थी उस पत्रिका के लिए, स्वदेश पत्रिका के लिए जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी, लेकिन उसको जोड़ लिया गया इस बात से कि उग्र ने ये कहानियां लिखी तो इन कहानियों से भी उसका सिलसिला जुड़ता है। 1927 में उग्र जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने इन कहानियों का एक संकलन चॉकलेट शीर्षक से ही प्रकाशित किया जो कि मतवाला प्रकाशन से वो संग्रह आया। और उस संग्रह के आने के बाद जो है एक, यानी उस संग्रह में इन 5 कहानियों के साथ 3 और कहानियां यानी 8 कहानियों का संकलन था जिसमें कि इस विषय पर कहानियां थी और हिंदी साहित्य में वर्जित विषय को लेकर के कि क्या इन विषयों पर कहानी लिखा जाना चाहिए, क्या इन विषयों पर साहित्य लिखा जाना चाहिए। उग्र ने इस कहानी संग्रह की भूमिका में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा अगर ये एक सामाजिक बुराई है और अगर इसके कारण जो है हमारे तरुणों की और युवाओं की पीढ़ी जो है उसे पथभ्रष्ट किया जा रहा है तो इस बुराई का या इस कुप्रवृत्ति की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। और उनका कहना था कि मैं इसको बढ़ावा देने के लिए मैंने ये कहानियां नहीं लिखी हैं, बल्कि ये कहानियां हम समाज को एक, जिसे कहा जाए कि एक चेतावनी के रूप में, एक आगाह करने के लिए, एक सतर्क करने के लिए कहानियां लिखी हैं। लेकिन उनके इस तर्क के विरोध में हिंदी से के कई साहित्यिकों का, कई पत्रकारों का ये कहना था कि एक सनसनी फैलाने के लिए उग्र ने ये कहानियां लिखी हैं और ये वर्जित विषय हैं। इन वर्जित विषयों पर लिखने से इन विषयों के प्रति अरुचि पैदा होने के, अरुचि पैदा होना तो दूर, इसके प्रति कुछ आकर्षण ही पैदा होता है। तो इस तरह की बातें कही गई और इसी बीच बनारसी दास चतुर्वेदी ने
जो विशाल भारत उनका कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला जो जो पत्रिका थी उस पर जो है पांडे बिचन शर्मा उग्र की इन कहानियों के विरुद्ध एक मोर्चा खोल दिया और वो मोर्चा क्या वो उसको आंदोलन ही कहना चाहिए। उन्होंने एक घासलेटी आंदोलन यानी कि चॉकलेट के विरुद्ध जो है घासलेट आंदोलन की जो साहित्य की जो निकृष्ट प्रवृत्ति है जो वर्जित प्रवृत्ति है उन प्रवृत्तियों पर जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको उन्होंने घासलेट का शीर्षक दिया और एक घासलेटी आंदोलन ही शुरू कर दिया और विशाल भारत के पन्नों पर उन लेखों का लिखा जाना उस आंदोलन का शुरू होना। तो हिंदी की कोई पत्रिका बची नहीं थी यानी कि वो चाहे लखनऊ से प्रकाशित होने वाली दुलारीलाल भार्गव की सुधा हो या गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका प्रताप हो या दूसरी पत्रिकाएं हो उन सारी पत्रिकाओं में किसी न किसी रूप से यानी ये चर्चाएं हुई और एक पक्ष विपक्ष और यहाँ तक कि इस पूरे विवाद में बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए यानी इन कहानियों के विरोध में मत बनाने के लिए इन कहानियों को गांधी जी के पास भेजा और एक पत्र के साथ। तो गांधी जी ने यंग इंडिया में वो पत्र तो प्रकाशित किया, हरिजन में भी प्रकाशित हुआ और बाद में जब दोबारा गांधी जी के बाद के पास वो संग्रह फिर भेजा गया तो गांधी जी ने एक पत्र जो है बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा और भेजा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इन कहानियों में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं लग रहा है जिससे कि कहा जाए कि इन कहानियों को नहीं लिखा जाना चाहिए या इन कहानियों का नहीं पढ़ा जाना चाहिए या समाज में इससे विकृति फैलने वाली है। उन्होंने कहा कि इसमें तो जो है समाज की एक जो विकृति है जो एक युवकों को बिगाड़ने वाली या तरुणों को बिगाड़ने वाली जो प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध आगाह किया गया है। लेकिन बनारसी दास चतुर्वेदी ने इस पत्र को सार्वजनिक नहीं किया, इस पत्र को उन्होंने अपने पास ही दबा करके रखा और बाद में कई वर्षों बाद यानी लगभग 25 वर्षों बाद इसका खुलासा बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र से ही किया कि वो पत्र गांधी जी का था जो कि हमने तब नहीं प्रकाशित किया था, फिर बाद में वो पत्र प्रकाशित हुआ। तात्पर्य कहने का ये कि उग्र के विरुद्ध जो एक वातावरण बना एक पूरा जो है उनको एक गैर जिम्मेदार लेखक के रूप में एक अश्लील लेखन के प्रचारक के रूप में जो एक माहौल बना अगर गांधी जी का पत्र उस समय जो सार्वजनिक हो जाता तो शायद ये वातावरण न बनता। इस पूरे आंदोलन का एक दूसरा पहलू भी था कि जो घासलेटी आंदोलन जो बनारसी दास चतुर्वेदी ने जिस मुहिम के तहत शुरू किया था उसका एक दूसरा पहलू भी था। इसी दौरान यानी कि 1927 में चॉकलेट संग्रह प्रकाशित हुआ और 1927 में ही एक दूसरी पुस्तक जो है चांद पत्रिका चांद प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित हुई अबलाओं का इंसाफ। बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो अबलाओं का इंसाफ पुस्तक थी इसके खिलाफ भी जो है एक आक्रामक रुख और तेवर अपनाया। कारण ये था कि जो अबलाओं का इंसाफ जो पुस्तक थी उस अबलाओं के इंसाफ में यानी कि इस पुस्तक के रचनाकार के रूप में इस स्फूर्णा देवी का नाम प्रकाशित हुआ यानी कि उस पुस्तक से या इस नाम से लगता था किसी महिला ने इसे लिखा है। तो ये और इस पुस्तक में जो स्त्रियों के प्रति यानी जिस तरह का स्त्रियों के प्रति अत्याचार था यानी कि जो बाल विवाह की प्रथा थी और जो वृद्ध विवाह की प्रथा थी यानी कम उम्र में जो है लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था वृद्धों से कर दिया जाता था विधवा विवाह निषेध था। तो इस तरह के एक वातावरण से जो पूरा जो है हिंदू स्त्रियां गुजर रही थी उन हिंदू स्त्रियों के संताप को लेकर के उनके कष्टों को लेकर के उनकी यातना को लेकर के इस पुस्तक में चर्चा की गई थी और उसका स्वरूप इस तरह था कि जैसे कि स्त्रियों ने स्वयं अपनी विपदा को अपने कष्टों को स्वयं ही से वर्णित किया गया है। लेकिन बाद में इस पुस्तक को लेकर कई तरह की बहस हुई और इसके पक्ष विपक्ष में भी वातावरण तैयार हुआ यानी कि जनार्दन भट्ट जो कि बाल कृष्ण भट्ट के बेटे थे
उन्होंने उग्र की पुस्तक चॉकलेट के पक्ष में भी लिखा और इस पुस्तक अबलाओं का इंसाफ के भी पक्ष में लिखा। और उन्होंने कहा कि भाई अगर हिंदू समाज में, अगर भारतीय समाज में स्त्रियों की यह दुर्दशा है तो उस स्त्रियों की दुर्दशा पर अगर एक पुस्तक लिखी गई है तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इस बात से कि एक हिंदू समाज के कुछ जो है अनकहे पक्ष जो जिनकी चर्चा नहीं होती सार्वजनिक रूप से, उसकी चर्चा की गई। फिर बनारसीदास चतुर्वेदी और कुछ दूसरे लोगों ने ये बहस की कि क्या इस पुस्तक के लेखक कोई महिला है या कोई पुरुष है। तो ये एक बहस शुरू हुई कि भाई ये इस पुस्तक के लेखक कोई महिला है या पुरुष है। किशोरीदास वाजपेयी ने इस बहस को एक मुकम्मल स्वरूप प्रदान किया। उस बहस को मुकम्मल स्वरूप प्रदान करते हुए किशोरीदास वाजपेयी स्वयं जो है चांद पत्रिका में कार्य करते थे, उसके संपादन के साथ जुड़े हुए थे और उसके प्रूफ रीडिंग के साथ जुड़े हुए थे। तो जब ये पुस्तक आई थी चांद के कार्यालय में तो इसका समूचा संपादन और इसकी प्रूफ रीडिंग ये सारा कार्य जो है किशोरीदास वाजपेयी ने किया। तो किशोरीदास वाजपेयी ने इसका स्पष्टीकरण दिया बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र विशाल भारत में कि जो है ये इस पुस्तक का संपादन मैंने ही किया है, इस पुस्तक का समूचा जो है देख रेख मेरे ही उसमें हुई है। और ये पुस्तक जो है उन्होंने ये सिद्ध किया और प्रमाण के साथ ही सिद्ध किया कि इस पुस्तक की लेखिका कोई स्त्री नहीं है बल्कि इस पुस्तक के एक लेखक हैं जो कि राजस्थान के हैं और एक सेठ हैं, इस तरह का उन्होंने किया। तो ये बहस इस बात की शुरू हुई कि इस पुस्तक के लेखक स्त्री है या पुरुष है। फिर कई लोगों ने यह कहा कि भाई स्त्री हो या पुरुष हो, देखा या जाना चाहिए कि इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है, इस पुस्तक में जो बातें कही गई हैं वो बातें सच हैं या नहीं, वो उस बातों का रिश्ता समाज से जुड़ता है या नहीं। सिर्फ इसे इस बात से नहीं खारिज कर दिया जाना चाहिए कि पुरुष द्वारा लिखी गई है या स्त्री द्वारा लिखी गई है। खासकर मारवाड़ी समाज बहुत कुपित था, इसलिए कि वो जो स्त्रियां थी वो मारवाड़ी समाज की अधिकतर स्त्रियों के दुख दर्दों को लक्षित करने वाला था। तो ये पूरी बहस पूरा ये और उसको लेकर के और समूचा जो एक बनारसीदास चतुर्वेदी का आंदोलन जो घासलेटी आंदोलन का, उस घासलेटी आंदोलन यानी कि साहित्य का चौका जो है कितना जो है एक शुद्ध होना चाहिए और साहित्य के इस चौके में, साहित्य की इस दुनिया में कौन से विषय आने चाहिए कौन से विषय नहीं आने चाहिए, इसकी एक बहस जो है पूरे एक हिंदी साहित्य संसार में हुई। और देखिए यह बात है कि 1924 की, और 1924 के दौरान यानी कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य है वो आधुनिक हिंदी साहित्य जो एक स्वरूप ग्रहण कर रहा था, तो उस स्वरूप ग्रहण करने के समय में इस तरह की बहसों का होना एक जनतांत्रिकता का भी प्रतीक था कि हमारे लेखक और साहित्यकार विभिन्न दृष्टिकोणों से किस तरह की बहसें कर रहे थे। और एक जिसे एक जोखिम कहा जाता था, यानी जिन विषयों को लेकर के कहा जाता था कि ये विषय जो है जोखिम भरे हैं और इन पे चर्चा नहीं की जानी चाहिए, उन विषयों पर भी चर्चा हो रही थी, उन विषयों पर लेखन हो रहा था और उन विषयों पर खुली बहसें हो रही थी। और इन बहसों में यानी कि गांधी जैसे व्यक्ति की भी गवाही ली जा रही थी, उनको भी शामिल किया जा रहा था। प्रेमचंद की भी टिप्पणी जो है इस समूचे प्रकरण में मौजूद है। प्रेमचंद ने ये कहा कि ये खासकर चॉकलेट के बारे में और पांडे बच्चन शर्मा उग्र की उन कहानियों के बारे में कि ये विषय समाज में हैं, ये स्थितियां समाज में हैं, यह एक सामाजिक यथार्थ है, लेकिन इस सामाजिक यथार्थ के विरुद्ध हमें जो है पर्चे के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए, इसे साहित्य का विषय बनाना और इसका विस्तार से इसका वर्णन करना। उनका यह कहना था कि भाई चोरी का काम है, तो अगर मान लीजिए कोई कहानी लिखी जाए और चोरी की प्रवृत्ति का वर्णन किया जाए या वेश्यागमन है तो वेश्या के कोठे पर किस तरह से जाया जाता है, कौन सी प्रवृत्ति अपनाई जाती है, क्या उसके तौर तरीके हैं, इन सब का अगर विस्तार से वर्णन किया जाएगा तो इन प्रवृत्तियों से जो है अरुचि होने के बजाय
इन प्रवृत्तियों का जो है एक प्रचार होगा और बहुत से लोग इसके प्रति आकृष्ट होंगे। तात्पर्य कहने का कि कई तरह के विचार थे, यानी जनार्दन भट्ट जो कि बालकृष्ण भट्ट के बेटे थे, उन्होंने इन दोनों यानी कि चॉकलेट के पक्ष में भी और अबलाओं का इंसाफ, इन दोनों के पक्ष में ही बहुत ही एक विस्तार के साथ लेख लिखा। उन्होंने कहा कि अगर एक भारतीय समाज में और उत्तर भारतीय समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो एक लेखक का काम है, एक लेखक का एक समाज सुधारक स्वरूप भी होता है। तो अगर उस अपने समाज सुधारक स्वरूप की भूमिका का निर्वहन करते हुए वो इस तरह का लेखन करता है तो उसे करना चाहिए। तो यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में भी टिप्पणी आई। दुलारी लाल भार्गव ने जो लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका सुधा थी, उस सुधा में एक लंबा संपादकीय लेखा उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की जो है इस तरह के साहित्य का नहीं, यानी कि दोनों तरह की प्रवृत्तियां। इससे यह समझा जा सकता है कि यानी कि जो हमारा तीसरा दशक था, यानी कि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक, उस 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हिंदी साहित्य को लेकर के किस तरह की बहसें हो रही थी, किस तरह के विषयों पर चर्चा हो रही थी, और हमारी जो उस दौर की जो पत्रिकाएं थी वो पत्रिकाएं जो है किस तरह से एक खुली बहसों का मंच बन रही थी। आज देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि इन दिनों हिंदी साहित्य में बहस नहीं है, इन दिनों हिंदी साहित्य में एक कोई बड़ा विमर्श बड़ी चर्चा नहीं है। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत ही विमर्शों से बहसों से हुई थी। तो इन विमर्शों बहसों यानी कि यह जो मैंने बात 1924 की थी, हम 2024 में ये बात कर रहे हैं लेकिन समूचा वर्ष लगभग बीतने को है। तो इस पूरा जो समूचा ये विमर्श हुआ चॉकलेट को लेकर के या अबलाओं के बारे में जो पुस्तक आई उसको लेकर के जो विमर्श हुआ, हिंदी समूचे हिंदी समाज में हिंदी साहित्य मौन है। तो ये मौन यह है कि हम अपने जो हमारा विगत है, जो हमारे साहित्य की जो एक बहसे हैं, जो उसका इतिहास है, उसको लेकर के हमें कितना एक जो है जिसे कहा जाए कि एक भूलने का भाव है, चीजों को के प्रति चर्चा न करने का भाव है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि आज की अगर बहसें नहीं हैं तो हमारे जो साहित्य में जो शुरुआती जो बहसें हैं उन शुरुआती बहसों के माध्यम से बहुत कुछ चर्चाएं की जा सकती हैं और हमें अपना जो है हिंदी साहित्य की जो एक जीवंत परंपरा है, जो जनतांत्रिक परंपरा है, उन जनतांत्रिक परंपराओं को जानना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस पे कुछ शोध हुए हैं। एक बहुत युवा शोधार्थी यानी सुरेश कुमार ने इस पे बहुत काम किया, यानी कि जो हिंदी की उस समय की पत्रिकाएं थी उस पत्रिकाओं में शोध के जरिए चीजों को का उन्होंने विश्लेषण किया और लेख लिखा। और सुरेश कुमार ने ही जो है ये पता लगाया कि अबलाओं का इंसाफ की पुस्तक के वास्तविक रचनाकार कौन है। तो उन्होंने कहा कि यह सच है कि इस पूर्णा देवी उसकी कोई लेखिका कोई महिला लेखिका नहीं है, लेकिन उसको पुरुष लेखक नहीं लिखा, लेकिन जो किशोरीदास वाजपेयी जिन्होंने उस पुस्तक को तैयार भी किया था उन्होंने भी इस बात को छिपाया, इस बात का उद्घाटित नहीं किया कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। सुरेश कुमार ने उस दौर की कई तरह की पत्रिकाओं का जो है शोध करके, कई पत्रिकाओं का विश्लेषण करके, उनकी सामग्री से गुजरते हुए इस बात की जानकारी दी कि उस पुस्तक के लेखक जो हैं बीकानेर के सेठ जो हैं राम गोपाल मेहता थे। तो ये एक और एक दिलचस्प बात ये है कि इसी बीच यह भी हुआ यानी कि 2013 के आसपास कि इस पुस्तक को एक दूसरे शोधार्थी ने ये कह दिया कि ये पहली महिला आत्मकथा हिंदी की है, जबकि सच ये है किसी महिला के द्वारा वो लिखा ही नहीं गया था, वो तो पुरुष के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह का एक जिसे कहा जाए कि एक भ्रम भी अगर शोध ठीक से न किया जाए और पत्रिकाओं की सामग्री से ठीक तरह से न गुजरा जाए तो एक तरह का भ्रम भी पैदा होता है। और कई वर्षों तक ये भ्रम कायम रहा कि अबलाओं का इंसाफ जो है पहली मतलब महिला का
पहली आत्मकथा है, और इस तरह के कई अनेक हिंदी के जो दिग्गज साहित्यकार हैं उन्होंने उसको इस तरह से ग्रहण किया, उसकी जो उसकी चर्चाएं भी हुई। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा जो साहित्य है और जो एक पूरी एक सदी गुजर चुकी है, इस गुजरी हुई सदी में जो हमारा यानी कि जो साहित्य की परंपरा रही है, जो साहित्य का के मूल्य रहे हैं, जो उनको जो लेकर के बैसे रहे हैं, उसकी तथ्यपरक तरीके से जानकारी प्राप्त की जाए और उन पर शोध किया जाए। मैं समझता हूं कि आज जो है आज के यानी कि एक पूरी समूची की पीढ़ी की पीढ़ी आज के दौर में ऐसी है जो कि अपनी परंपराओं से असंप्रत है, उसे अपनी परंपरा की नहीं जानकारी है, उसे अपने साहित्य की नहीं जानकारी है, यानी कि हिंदी समाज हिंदी साहित्य जो है किस तरह के दौर से गुजरा हुआ है इसकी जानकारी उसे नहीं है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि समसामयिक लेखन किया जाए, समसामयिक मुद्दों से जुड़ा जाए, लेकिन समसामयिक मुद्दों के जुड़ने के साथ साथ जो हमारे हिंदी साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है, उस समृद्ध परंपरा में जो चीजें ग्रहणशील है, जिसकी की आज जिसकी चर्चा की जानी चाहिए, और चीजें जो बहस्तलब भी है, जिनको एक छोड़ा भी जाना चाहिए, उन चीजों को जो है त्याग किया जाना चाहिए। तो यह विवेक यानी कि चीजों को यानी कि तात्कालिकता में ग्रहण करना, उसके एक समूचे ऐतिहासिक संदर्भ में या सामाजिक संदर्भों में न ग्रहण करना, यह भी इस दौर की मैं समझता हूँ इस दौर में चिंता वाली बात है। तो इस आज जो है जो इस चॉकलेट की जो बहस है, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है एक स्वाधीनता आंदोलन के लेखक, वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जेल गए, उन्होंने स्त्री के मुद्दे पर स्वाधीनता के मुद्दे पर और लिखा, लेकिन उनकी पहचान जो है काफी कुछ जो है उनके जो चॉकलेट कहानी संग्रह उस तक सीमित कर गई है, और उन्होंने जो तर्क उसके लिए दिए उन तर्कों को जो है विस्मृत कर दिया गया। तो आज जो है एक व्यापक संदर्भों में नए संदर्भों में मैं समझता हूँ कि जो है खाली पांडे बेचन शर्मा उग्र को ही नहीं, अबलाओं का इंसाफ ही नहीं, बल्कि इस तरह की और जो सारा लेखन है, यानी कि जब ये अबलाओं का इंसाफ जिस दौर में लिखा गया, स्त्रियों की जिस दुर्दशा को जिस समस्या को लिखा गया, उसी दौर में प्रेमचंद ने निर्मला लिखा, उसी दौर में प्रेमचंद ने सेवा सदन लिखा, तो अबलाओं के इंसाफ में अगर स्त्रियों की इस स्थिति की चर्चा है कि बाल विवाह के कारण, वृद्ध विवाह के कारण या विधवा विवाह न होने के कारण जो है स्त्रियां जो है एक ऐसे पेशों में ढकेल दी जाती हैं या दूसरे तरह की दुश्वारियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये उस समय की एक बड़ी समस्या थी, एक व्यापक समस्या थी जिसे प्रेमचंद अपने उपन्यासों में अपने कहानियों में चित्रित कर रहे थे। तो एक कोई भी पुस्तक, किसी भी पुस्तक की, चाहे वो चॉकलेट हो या अबलाओं का इंसाफ हो, इनका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और एक जैसे कि हम निर्मला की व्याख्या करते हैं, सेवा सदन की व्याख्या करते हैं, मैं समझता हूँ उसी संदर्भ में जो है अबलाओं का इंसाफ की भी चर्चा की जानी चाहिए। और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि बहसों का न होना, मैं समझता हूँ कि समाज के जीवंत मुद्दों से न जुड़ना है और स्वयं को अलग थलग करके साहित्य को स्वायत्तता के नाम पर एक सीमित विषयों तक और सीमित सरोकारों तक उसे सीमित करना है। तो जिस हिंदी साहित्य की शुरुआत स्वाधीनता आंदोलन के साथ हुई थी, जिसमें स्त्री के मुद्दे या युवाओं के मुद्दे एक व्यापकता के साथ हुए, जिसमें कि जोखिम लेकर के विषयों को उठाया गया, बहसों को उठाया गया, और एक जिसे कहा जाए कि बदनामी भी झेली गई, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जैसे लेखक जो है जिन्होंने इतना व्यापक लेखक किया, व्यापक लेखन किया, उनको सिर्फ एक अश्लीलता के साथ जो है चस्पा कर दिया गया, और अश्लीलता की जो बहस उस दौर में शुरू हुई, जो तर्क दिए गए उस तर्कों में वेद भी शामिल हुए, पुराण भी शामिल हुए, आदि ग्रंथ भी शामिल हुए, उसमें पश्चिम के मतलब शेक्सपियर को भी शामिल किया गया, उसमें ऑस्कर वाइल्ड को भी शामिल किया गया, तो बहुत दिलचस्प बहसें हैं, और ये बहसें जो है खाली बहसों के माध्यम से नहीं, उग्र ने जो अपनी कहानी लिखी चॉकलेट उसमें ही ये बहसें आई हैं,
तो इन बहसों से गुजरते हुए यानी कि एक शताब्दी पूर्व जो है हमारा लेखक जो था, शुरुआती दौर का जो लेखक था, किन बहसों से, किन विचारों से, किन विमर्शों से होकर के गुजर रहा था, आज मैं समझता हूँ कि उससे हम बहुत कुछ जो है उसको पढ़ते हुए, उस पे विचार करते हुए अपनी परंपरा को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से एक हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है खाली एक तरफा, यानी कि उसे कह दिया जाता है, कई बार कहा जाता है कि भाई एक जो है पुरातन मूल्य और एक स्थिर मूल्यों से शुरू हुआ साहित्य है, लेकिन शुरुआती दौर में ही एक पूरी एक दूसरा छोर भी था। उस दूसरे छोर में यानी कि जो आधुनिक मुद्दे आ रहे थे, जो आधुनिक बहसें आ रही थी, उन वो आधुनिक मूल्य, आधुनिक बहसें भी साहित्य के केंद्र में थी। तो आज 100 वर्ष यानी कि मैंने ये चर्चा इसलिए की कि आज हम 2024 में हैं और 1924 से में ये चॉकलेट कहानियां लिखी गई थी और उस संग्रह की अधिकांश कहानियां उसी वर्ष लिखी गई थी। तो ये वर्ष बिना इस चर्चा के न गुजर जाए, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए आज मैंने पांडे बेचन शर्मा उग्र के इस संग्रह की चर्चा की, घासलेट आंदोलन की चर्चा की और अबलाओं का इंसाफ पुस्तक की भी चर्चा की कि इन इस चर्चा के माध्यम से हम एक जो है हिंदी साहित्य समाज का जो एक विमर्शकारी रूप है उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।